अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। ताहिर भाई आप ऑफिस पहुंच गए? नहीं यार, कहाँ पहुंचा, अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ। ताहिर भाई वो मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। ताहिर भाई अरे यार फिक्र मत कर, मैं ऑफिस पहुंच के देखता हूं, मैं बताता हूं। अभी तो फिलहाल पिछले एक घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ। ताहिर भाई पैसों की बहुत जरूरत है, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो। अरे यार कल तो एक रुपए का भी काम नहीं हुआ, लॉकडाउन की वजह से हालात तुम्हारे सामने ही है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस पहुंच के देखता हूँ, अगर होंगे तो जरूर दूंगा तुम्हें। भाई तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा। एक तो इन लोगों की रोज रोज की नौटंकी खत्म नहीं होती, कभी बीवी बीमार तो कभी बच्चा बीमार। भाई पैसे कोई दरख्तों में थोड़ी होते हैं, या चाहे लेते हैं। प्लीज मुझे माफ कर, मेरे अल्लाह मैं जानता हूँ मैंने तेरी बहुत नाफरमानी की है, कदम कदम पर लोगों के साथ साथ खुद को भी धोखे में रखा है। या अल्लाह मैं बदल जाऊंगा, छोड़ दूंगा सब कुछ, प्लीज मेरे लाई मेरी सुन ले, अपना कोई मौजूदा दिखा दे और बचा ले मुझे इस आजमाइश से। या अल्लाह बचा ले। हेलो भाई साहब, कहाँ हैं आप? हाँ यार मैं बस, तुम डॉक्टर से बोलो ऑपरेशन शुरू करें, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। आप आए तो सही, क्यों सब खैरियत तो है ना? भाई साहब अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्या हमजा दवाइयों से ठीक हो जाएगा? हमजा अब इस दुनिया में नहीं रहा भाई साहब, आप जल्दी आ जाए। दीपोली तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई भी हो। मैंने तुम्हें हर कदम पर समझाने की कोशिश की मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। और ये दौलत जिसमें तुम्हें इतना मान था तुम्हारे किसी काम नहीं आई। अरे तुम तो इस दौलत की खातिर अपना ईमान तक बेच देते थे। ठीक कह रहे हो यार रिजवान, बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। अली अल्लाह औलाद बिछड़ जाने जैसा दुख किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन सच तो यह है कि हमजा की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। ठीक कह रहे हो यार रिजवान, तुम बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। अली जिस तरह की जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना ये मैं भी जानता हूं और तुम भी अच्छी तरह जानते हो, झूठ हराम करप्शन ये सब तुम्हारी रगों में खून से ज्यादा तेज फैल चुका है और शायद अल्लाह ने तुम्हें इसकी सजा हमजा को वापस लेकर ली है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं वादा करता हूँ यार आज से हर बुरी चीज छोड़ दूंगा। खाली झूठ ना, ये एक नशे की तरह होता है और नशे को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो यार रिजवान मुझे बताना यार, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ भाई, मैं बदलना चाहता हूँ खुद को। अली तुम ये जो बात बात पे झूठ बोलते हो ना, बस ये झूठ बोलना छोड़ दो, ये झूठ बीमारियों की जड़ है। अल्लाह ने मुझको आजमाया, ये अल्लाह की मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी है, वरना मैं तो अपनी जिंदगी को जहन्नुम के रास्ते पे लेके जा रहा था। अल्लाह अपनी तरफ किसी को माइल करना चाहता है ना तो इसी तरह के दुख देकर आजमाता है। और शायद अल्लाह ताला ने यह हादसा मुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए ही दिखाया। बेशक देखो अजान भी गवाही दे रही है, चलो फिर नमाज पढ़ने चलते हैं।
मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा। मेरे खुदा मैं बहुत गुनाहगार मेरे अल्लाह, लेकिन जैसा भी हूँ तेरा ही बंदा हूँ मैं, तूने ही मुझे हिदायत दी, सच का रास्ता दिखाया है, जिस पर चलकर मुझे मुश्किलात का सामना तो जरूर है, अपनी माँ सिवा से, लेकिन मेरा दिल मुतमईन है, या अल्लाह मैं तेरे कहे हुए रास्ते पर चल पड़ा हूँ, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, तू ही कोई रास्ता दिखा हर मंजिल पर, गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरी मुश्किल को आसान कर, मेरी दुआओं को कबूल कर, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। अख्तर साहब यकीन कीजिए एक रुपया नहीं बच रहा है इस प्रोजेक्ट पर भाई, उल्टा जेब से लग रहा है आपकी हाउसिंग सोसाइटी पर भाई, ये प्रोजेक्ट तो पुराने रेट पे हो जाएगा लेकिन अगले प्रोजेक्ट में आपको हमारा साथ देना होगा। अरे बिल्कुल टेंशन ना ले आप, ओके अल्लाह भाई साहब, ये अख्तर साहब की कंपनी का एक ठेका मिला है बड़े दिनों बाद, जरा इसको देख के टाइट से बिलिंग बना दे जिसमें चार पैसे आपको भी बच जाए और मुझे भी। हाँ बैठो बैठो। देखो उस्मान, सामान तो मैं तुम्हें दे दूंगा और बिल भी बना दूंगा, लेकिन शायद तुमको ये सामान महंगा पड़े। अरे भाई साहब, क्या सस्ता और क्या महंगा, जो नए रेट है वो आप लगा दें और जो पुराना माल पड़ा है उसे छाप दें। देखो उस्मान, बिल तो जरूर होगा और उसी का होगा जो सामान तुम लोगे, नए सामान का नया रेट और पुराने सामान का पुराना रेट। भाई साहब क्या हो गया आपको, आपका जो कमीशन है वो आपको कैश मिलता है तो फिर आप इन चक्करों में पड़ रहे हैं। उस्मान बड़ी मुश्किलों से इन चक्करों से निकलने की कोशिश कर रहा और तुम्हारे चक्करों में मैं अब आने वाला नहीं, और मेरे चक्कर तुम्हें अब समझ नहीं आएंगे। भाई साहब अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो सीधी सीधी बात करें, ये किन चक्करों में पड़ रहे हैं आप असल और नकल के। देखिए 10 लाख में से 4 लाख तो मटेरियल के निकल जाते हैं, पहले मैं आपको 2 लाख रुपए देता था, अब मैं आपको 2.5 लाख रुपए देता हूँ, तो भाई साहब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आगे भी देना होगा। उस्मान शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, बिल होगा और उसी का होगा जो सामान तुम लोगे, वरना तुम किसी दूसरी दुकान पर जा सकते हो। भाई साहब हम तो हमेशा सस्ते पे काम करते रहे, करते थे और करते हैं में बहुत फ़र्क है, वैसे भी मैंने अब अपने काम का तरीका बदल लिया है, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मिलावट वाला सामान नहीं बेचूँगा। और एक बात और, जो काम हम पहले करते थे मुझे उस पर सख्त शर्मिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए,
वो भी खाली हाथ। हाँ तो गया भी तो खाली हाथ ही था। तो ये क्या बात की, कम से कम जो सामान की लिस्ट तुमको दी थी वो तो लेते हुए आते ना। बेगम, सामान पैसों का आता है, और आज तो मेरे पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं थे, आधे रास्ते से पैदल आ रहा हूँ। तो ऐसी भी क्या कड़की छा गई जो जेब में पैसे ही नहीं है। रुबीना, तुम भी ना बस अपनी आदत अब चादर देखकर पांव फैलाने वाली डाल दो। वैसे ही हम बहुत गुनाहगार हो गए हैं चादर फैलाकर। बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुमने किसी का घर लूट लिया हो। अरे झूठ बोलकर, लोगों को उनका घर बनाने के लिए मिलावट शुदा सामान बेचकर मैंने उनका घर ही तो लूटा है। शायद इसलिए मेरे अल्लाह ने मेरे घर का सुकून छीन लिया। क्या हो गया तुमको अली, कैसी बातें कर रहे हो आज तुम? बस रुबीना, अब और नहीं, मैं अब सिर्फ हक और सच के रास्ते पर चलूंगा, और फिर सिर्फ चंद पैसों के खातिर मिलावट करना, करप्शन करना, लोगों से झूठ बोलना नहीं रुबीना। अब मैंने ये अहद कर लिया है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहूंगा, नहीं करूंगा मैं ये सब कुछ। बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे हमारे मुल्क में सब लोग सब काम बहुत ही दयानतदारी के साथ कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है, कि हम भी बद दयानत हो जाए, बेमानी करें, लोगों से झूठ बोले? ये मुझसे नहीं होगा। तो घर कैसे चलेगा, रोजाना पैदल चलकर आओगे और सच का समर हमें खिलाओगे? हाँ अब कुछ भी हो जाए, मैं ये हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। जी सर। अली यहाँ आकर मेरी बात सुनो। जी आ रहा हूँ सर। जी सर। अली तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे फ्लाइंग हॉर्स थे, मेरे सब कारोबारों में सबसे ज्यादा तुम मुझे इस कारोबार से कमा कर देते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा अली कि तुम यहाँ कमाने बैठे हो या तबलीग कर रहे। सर मैं कुछ समझा नहीं। जानते हो ना तुम, पिछली दो तनख्वाहें मैंने तुम्हें जेब से दी हैं। जी सर जानता हूँ। क्या तुम पर लाजिम है कि तुमने सच ही बोलना है? अगर अपना ख्याल नहीं तो कम से कम मेरे बीवी बच्चों का ख्याल करो। सर माजरत के साथ, आपके बच्चों का ख्याल है इसीलिए तो अपनी और आपकी रोजी को हलाल कर रहा हूं। रोजी? कौन सी रोजी? जितने भी ग्राहक थे वो तो सबके सब तुमने भगा दिए, पूरी मार्केट में मशहूर कर दिया कि हम दो नंबर सामान बेचते हैं, मिलावट वाला एक्सपायर सामान बेचते हैं, नए का रेट लेकर पुराना चिपका देते हैं। हालांकि तुम जानते हो हमसे ग्राहक जो मांगता है हम उसे वही देते हैं। हाँ सर, लेकिन जिसके घर पे वो सामान लग रहा होता है उसको तो ये नहीं पता होता ना कि वो जिससे काम करवा रहा है वो झूठ बोलकर दो नंबर और मिलावट शुदा सामान उसके घर पे लगा रहा है। अरे भाई, हम यहाँ कारोबार करने आए हैं, तुम अपना ये अखलाकियात का दर्स देना बंद करो। देखिए सर, बज़ाहिर तो झूठ में बहुत आसानियाँ नज़र आती हैं और सच में मुश्किलात और आजमाइशें, लेकिन यकीन मानिए सर, झूठ बोलकर हज़ार रुपये कमाने से बेहतर है कि सच बोलकर एक रुपया कमा लिया जाए ना, वो हज़ार दर्जे बेहतर है। और उस एक रुपये की रोटी में जो सुकून और बरकत मिलेगी ना, वो कहीं और नहीं मिलेगी सर। और इसके साथ साथ हमारा ईमान और काम भी बेहतर होता जाएगा सर। सर आखिर हमको मरकर दूसरे जहाँ भी जाना है, और वहाँ जाकर हम अपने खुदा को क्या मुँह दिखाएंगे? इस दौर में ऐसी बातें नहीं चलती अभी, नोट चलते हैं नोट। देखिए सर, झूठ बोलकर और मिलावट कर आपने भी बहुत पैसा कमाया है और मैंने भी, लेकिन हमें उस पैसे में ना ही सुकून मिला और ना ही कारोबार में बरकत। ओ भाई, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मेरी सेल किसी भी तरह कम नहीं होनी चाहिए, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। ठीक है सर,
मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा। गुड, वेरी गुड। मैं आज और अभी से ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। चलो शुक्र, मेरी ये मुश्किल इसने खुद ही आसान कर दी। कहाँ हो भाई तुम? मैं यहां साइड पे खड़ा हूं और तुम घर में मरे हो। मैं अपने काम देखूं या तुम लोगों को देखूं? अरे यार बोल रहा हूं ना, सामान बुक करवा दिया, रास्ते में हो। हाँ बस पहुंचने वाला हूं। हाँ सामान कहां तक पहुंचा? बस थोड़ी देर में पहुंच जाना चाहिए। अरे हाँ भाई, इधर तुम्हारा सामान पहुंचा कि बस समझो तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे पास पहुंच गई। हाँ जितना तूने मुझे सामान के लिए ख्वार किया है ना, उससे दुगना अगर तुझे मैंने पेमेंट के लिए ख्वार नहीं किया तो मेरा नाम भी ताहिर नहीं। अब्दुल्ला, 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा भाई ये पकड़ो आप अपनी चीज, कमरे में जाके खाओ, हम अभी आके अब्दुल्ला से बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है? शाबाश, जाओ। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? और ये बाहर गाड़ी भी नहीं है, भाई साहब घर पे नहीं है क्या? बैंक वाले ले गए गाड़ी। पर क्यों? क्योंकि किस्तें नहीं दी थी। किस्तें नहीं दी? पर किस्तें क्यों नहीं दी? कमीशन नहीं बन रहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलकर माल बचता नहीं और सच बोलकर बिकता नहीं। भाई साहब यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इनके बात समझ नहीं चाह रहे। और मैं समझूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने झूठ बोलना और झूठ का साथ देना छोड़ दिया है। तो कमाओगे क्या और हमें खिलाओगे क्या? जो नसीब में होगा, जो मुझे मिलेगा, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुमने मेरे बेटे को इस बड़े स्कूल से हटाकर उस छोटे से स्कूल में डाल दिया। क्या? अब भाई अगर अब्दुल्ला के स्कूल की फीस का कोई मसला था तो मुझे बताते, मैं कुछ कर देता। मेरा बेटा अब हराम की कमाई पर नहीं पलेगा। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरी भी औलाद है। मैं अपने बच्चे की ऐसी परवरिश नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना जेवर बेचूंगी, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल के साथ कोई भी समझौता नहीं करूंगी। सुना तुमने? भाई साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि घर तनख्वाहों पे नहीं चलते, घर के बाकी अखराजात कमीशन से ही पूरे होते। कमीशन? तुम दोनों जिसे कमीशन कह रहे हो ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कमीशन किस तरह फंदा बनकर मेरे गले में अटका था। मैंने कब तुमको कहा कि तुम जाके चोरी करो, डाके डालो? जो कमा रहे हो, जो काम कर रहे हो, कम से कम वो तो करो ना भाई, समझाए ना इनको। वो काम भी किसी जुर्म से कम नहीं था रूबीना, और हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो हम लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब वो बुराइयां नहीं रही। भाई साहब ऐसे नहीं चलता, आप बात समझने की कोशिश करें। चलता तो वैसे भी नहीं है उस्मान जिस तरह तुम चाह रहे हो, और मैं तो अच्छी तरह समझ चुका हूँ, बस तुम दोनों ही ना समझ बने बैठे हो। भाई साहब, भाई साहब, पता नहीं ये भाई साहब को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, क्या हो गया इनको? मुझे तो डर लग रहा है कि शायद ये छत भी मेरे सर से चली जाएगी। अरे भाई तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, परेशान मत हो, मैं हूं ना कुछ कर दूंगा। और तुम वैसे भी ये घर के मामला और अब्दुल्ला के स्कूल की फीस की वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। उठो ये जाके निकालो और खुद भी खाओ और अब्दुल्ला को भी जाके खिलाओ। सच्चाई के रास्ते पर चल तो पड़ा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे हालात कैसे चलेंगे। देखो मेरे भाई, जब तक तुम गाफिल थे अल्लाह पाक ने तुम्हारी रस्सी दराज की हुई थी, मगर अब वो तुम्हारी आजमाइश ले रहा है। वो देख रहा है कि एक भटका हुआ इंसान जिसे दुनिया में झूठी खुशहाली नजर आ रही थी, क्या अब वो सिराते मुस्तकीम पे कायम है या छोटी सी आजमाइश पर
फिर से पलट जाता है। नहीं रिजवान, अब मैं पलटूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ वक्ती परेशानी जरूर है, लेकिन मेरे दिल को जो सुकून इस ढाबे की चाय पीकर मिलता है ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने से कहीं बेहतर है। बस जरा काम की परेशानी है, कहीं काम मिल जाए तो वो भी बेहतर हो जाएगा। देख यार, तू चाहे तो मेरे साथ काम शुरू कर सकता है। अरे मैंने रमजान में गाड़ी में वो सहरी अफतारी और खाने की ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू किया हुआ है। मोबाइल रेस्टोरेंट? हाँ यार, बहुत अच्छा काम है। और जब से ये कोरोना की वजह से होटल बंद है ना, अरे इससे तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे यार अली, मैं तो अफतार के वक्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस में अपनी गाड़ी ले जाता हूँ, यकीन कर सारे बॉक्स खत्म हो जाते हैं। और अफतार के बाद भाई ऑनलाइन ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। सच तो यह है कि मैं तो थक जाऊँ काम से यार, मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि एक मुखलिस, एक ईमानदार पार्टनर मुझे मिल जाए। लेकिन यार मेरे पास इन्वेस्ट करने को कोई रकम नहीं है। यार बस तू अपना टाइम और नेक नियति इन्वेस्ट कर दे, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस भाई मैं मुनाफा कम रखता हूँ और मिलावट से पाकिशा इस्तेमाल करता हूँ। इस्लाम में जायज़ मुनाफे का हुक्म है। अरे मुनाफा कम होने की वजह से सेल बढ़ जाती है। अरे दुनियावी फायदे के साथ साथ हमें आखरत का अजर भी मिलेगा। नाज़रीन हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्कर्स की बड़ी कार्रवाई, कराची में बिल्डर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, उस्मान नामी बिल्डर गिरफ्तार। अली हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अली क्या हो गया, क्यों इतना घबराई हुई हो? उस्मान भाई को अरेस्ट कर लिया है, तुम्हारा वो दोस्त था ना एडवोकेट, प्लीज उसको कॉल करो ना। क्या सोच रहे हो, कॉल करो। देखो रूबीना, जिस रास्ते पे वो चल पड़ा था, एक ना एक दिन तो ये सब कुछ होना ही था ना। दो नंबरी करके पैसा बनाकर उसने बहुत अय्याशी की, अब जब वो कसूरवार ठहर ही चुका है तो उसको चाहिए कि अपने जुर्म का एतराफ कर ले। ये इस वक्त तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कॉल करो एडवोकेट को। देखो रूबीना, हमारे मुल्क में इंसान अपना घर बनाने की ख्वाहिश में बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, और जब उसका अपना घर तैयार होता है तो नाकिस मटेरियल की वजह से वो अपने उसी घर की छत के नीचे दबकर मर जाता है, और हम लोग उसे उसकी कब्र तक छोड़कर आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तो तुम लोग क्या ये सब कुछ होने का इंतजार कर रहे हो? देखो रूबीना, मैंने ना सिर्फ सच्चे दिल से तौबा की है बल्कि सच बोलने का अहद भी किया है। देखो रूबीना, उसको सब कुछ पता है कि मैं सब जानता हूँ, और मेरे समझाने की वजह से वो और परेशान होगा। जलते हो तो मेरे भाई से कि मेरा भाई कहां से कहां पहुंच गया और तुम कहां से कहां आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने घर में सुकून से बैठा हूं। हाँ, पहुंच तो वो जेल तक गया है, अब उससे आगे जाना भी कहां है उसने। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं था उसके साथ, वरना आज मैं सोफे पे नहीं बल्कि जेल की जमीन पे बैठा होता। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुशी हो रही है मेरे भाई की गिरफ्तारी का सुनकर। रूबीना तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ मैं अपने भाई के घर, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। फर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मुझे गिरफ्तार करके या सजा दिलवा के तुम्हें क्या मिलेगा? एक मुजरिम हमारे माशरे से कम हो जाएगा। इससे तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने करप्शन की है या नहीं की है इसका फैसला तो अदालत करेगी, और हमारे सिस्टम के इंतजार में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं मगर इंतजार खत्म नहीं होता। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत जिंदगी बदल सकता हूँ। वो कैसे? एक न्यू हाउसिंग सोसाइटी में काम का ठेका मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ इतने घर बना रहा हूँ तो क्यों ना एक घर तुम्हारे लिए भी बना दिया जाए। तुम क्या समझते हो,
इस तरह मुझे रिश्वत की पेशकश करोगे और मैं कबूल कर लूंगा। वैसे तुम सही सोच रहे हो। आखिर क्या हो गया है अली को? मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला, मेरी हर खुशी की खातिर कुछ भी करने वाला, आज मुश्किल के इस वक्त में मुझसे किनारा कैसे कर सकता है? क्या हो गया है अली को? कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे स्वान भाई, ऑफिस से तो फोन आया था कि आपको गिरफ्तार करने आए थे। आए थे लेकिन छोड़ दिया। लेकिन टीवी पर तो बार बार बता रहे हैं। अरे मेरी बहन, जो काम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना, वो ये पैसा करवा दे। अच्छा ये बताएं, कुछ कहा तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें कि पैसे में बहुत ताकत होती है, बल्कि दूल्हा बना के घर तक छोड़ा उन्होंने। खैर ये बताओ, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो बच्चों के साथ बाहर खेल रहा है। दरअसल उसका स्कूल छूट गया ना, तो आवारागर्दी तो करेगा। कल से आप उसे स्कूल भेजने की तैयारी करें, फीस में भर के आ गए। लेकिन भाई आपने ऐसा क्यों किया? जब उसके बाप को ही परवाह नहीं है, एहसास नहीं है जिम्मेदारी का, तो फिर मामा क्यों करे? क्योंकि दो माँ मिले तो एक माँ माँ बनता है। अरे ये बताओ, तुम यहाँ अचानक अली भाई छोड़ते चले गए तुम्हें? भाई जैसे ही मैंने सुना कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो मैंने अली से कहा कि वो अपने दोस्त एडवोकेट को कॉल करे, लेकिन वो हमारा साथ देने के बजाय उनका कहना है कि तुम्हारे भाई को चाहिए कि वो इकबाली जुर्म कर ले ताकि उसकी दुनिया और आखिरत अच्छी गुजरे, इसलिए मैं उसको छोड़कर यहाँ आ गई। पता नहीं जिद्दत के इस दौर में भाई साहब को क्या हो गया, किन रास्तों पे चल पड़े हैं। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। आपका रोजा तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है। हेलो, तो यार उस फाइल को कोई दूसरा प्लाट नंबर दे दो। और बात सुनो, एक नंबर कम से कम 3-4 लोगों को दे दो, जब फाइल नीचे होगी तो देखा जाए। ये ले भाई। ये क्या है रिजवान भाई? अरे यार, अब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा है। लेकिन रिजवान, ये तो मुझे ज्यादा लग रहा है। आइडिया आपका, काम आपका, तो इस हिसाब से हिस्सा भी आपका ज्यादा होना चाहिए। यार अली, अगर मैं अकेला होता ना तो इतना काम भी नहीं कर पाता। तुम्हारे आने से काम बढ़ा भी है और बटा भी है। लेकिन रिजवान भाई, अरे यार आज हमने जितना काम किया है और जितना मुनाफा कमाया है ना, यकीन मानो अकेला होता ना मैं तो आधा भी नहीं कमा सकता था मैं। अरे माना कि मैंने अपना आइडिया, अपना काम तुम्हें दिया है, मगर तुमने भी तो अपना टाइम, अपनी ईमानदारी मुझे दी है ना। अब देखो, थोड़ा मुनाफा रखकर भी हमने
कितना ज्यादा कमा लिया यार? अगर हम इसी हिसाब से कमाते रहे तो फिर तो मैं अपने पिछले काम से ज्यादा कमा लूंगा, और इसके साथ साथ खुशी भी और दिली सुकून भी। अच्छा भाई, तुम्हें दिली सुकून भी मिल गया और खुशी भी मिल गई, तो मेरे भाई एक कप चाय पिलवा दो, मुझे भी खुश कर दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, शायद यार दो कप चाय लाइएगा। पापा पापा मैं आ गया। अरे जिंदा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। स्कूल गए थे? स्कूल गए थे ना? अब्दुल्ला आप अपने रूम में जाओ। तुम यहाँ अचानक? हाँ, तुम्हें और अब्दुल्ला को लेने आया। उस दिन तुम्हारा घर छोड़कर आ रही थी जब तो तुमने मुझे नहीं रोका, जब ख्याल नहीं आया था कि हमें भी अपने साथ रखना है। हाँ, उस दिन तुम गुस्से में थी, मैं मजबूर और बेरोजगार था, और मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए कोई जवाब भी नहीं था। तो अब कौन सा अलादीन का चिराग तुम्हारे हाथ में लग गया जो हमें ले जाने के लिए आए? खजाना तो नहीं, अलबत्ता रोजगार लग गया, और हलाल रोजगार और सुकून की जिंदगी से बेहतर कोई खजाना नहीं होता। तुम्हारी इस हलाल रोजी से मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरी जाएगी, क्या हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? अल्लाह ने चाहा तो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बात बताओ, जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, तुम्हें पता तो था ना कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? तुम्हारी इसी लाइफ स्टाइल को पूरा करने के चक्कर में तो मैं झूठ और करप्शन के दलदल में धंसता चला गया। तुम्हें दुनियावी ख्वाहिशात की फिक्र थी और मुझे आखरत की। अब एक बात साफ साफ सुन लो, अब मेरा बच्चा उस छोटे से स्कूल में बिल्कुल नहीं जाएगा। उस्मान भाई हमारा ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं, अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलना हो तो तुम यहाँ आ सकते हो जब तुम्हारा दिल चाहे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? हाँ, कितने बॉक्स हैं आपके? छः। बिस्मिल्लाह। और ये आपके? नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्कर्स की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एएस कंपनी को सील कर दी। नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्कर्स की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एएस कंपनी को सील कर दी। हेलो। हाँ अली, टीवी देखा तुमने? नहीं यार, मैं तो यहाँ डिलीवरी देने आया हूँ। अरे यार, वो जिस सोसाइटी के घर उस्मान ने भी बनाए थे ना, उसमें से एक घर की छत गिर गई है। अदालत ने कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया है। मुझे लगता है इस बार उस्मान का बचना मुश्किल है। या अल्लाह खैर। रिजवान भाई, कहते ना बुरे काम का बुरा नतीजा। मैं उन लोगों को समझाता भी रहा हूँ कि ऐसे काम मत करो, मगर हराम उनके मुँह को लग चुका था, झूठ मकारी मिलावट। तुम्हें जाना चाहिए रिजवान भाई, लेकिन ये डिलीवरीज का क्या होगा? अरे यार, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है। मालूम नहीं,
नाज़रीन हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्कर्स की बड़ी कार्रवाई, कराची में बिल्डर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, उस्मान नामी बिल्डर गिरफ्तार। ग्राहक हमारी दुकान पर आते हैं और तुम उन्हें दूसरी दुकान पर भेज देते हो। जी सर, उसने मुझसे पूछा कि आपके पास इससे बेहतर क्वालिटी मिलेगी, तो मैंने तो उसको सच बोला कि इससे बेहतर क्वालिटी हमारे पास नहीं है, हाँ बल्कि हमारी बराबर वाली दुकान से आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो अब ऐसे काम होगा यहाँ, ऐसे तो मेरा ये कारोबार जल्दी बंद हो जाएगा। तो सर, झूठ बोलकर तो ये कारोबार वैसे भी ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। हमारा काम सेल से चलता है, सेल से। फिर आप वो सेल सच बोलकर करें या झूठ बोलकर, मैं तुम्हें तनख्वाह सच बोलने की नहीं देता, माल बेचने की देता हूँ। और अगर इसी तरह आप सच का बोलबाला करते रहे तो माल बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माल बिकेगा तो प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा तो आपकी तनख्वाह निकलेगी। पर सर, ऐसे काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद आगे चलकर आपके लिए भी। तुम वही के वही रहना, मेरे बड़े भाई से ही सीख लो कुछ। तुम ही उसको लेकर आए थे ना इस कारोबार में, आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गए और तुम कहां रह गए। मैं तो ठीक था, मैंने ये सब फैसले आप लोगों की ख्वाहिशें महंगी फीसें भरने के चक्कर में किए हैं। जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो क्या करूं, बोलो रूबीना, क्या करूं मैं, लोगों को झूठ बोलकर लूटूं? हाँ तुमका भाई रूबीना अली, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी। अगर तुम और उस्मान पहले ही मेरी बात मान लेते ना, तो तुम दोनों को ये वक्त ना देखना पड़ता और ना ही मासूम लोगों को अपनी जान देनी। सही कह रहे हो, हम गलत फहमी में जिंदगी गुजार रहे थे। देखो मेरे हालात पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले से ज्यादा अच्छा कमाता हूँ। बिना वक्त पूरा आता जरूर है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम बुराई का साथ दें और उसके साथ चलने लगें। ये वक्ती तौर पर अल्लाह की एक आजमाइश होती है, जो इस आजमाइश में कामयाबी से गुजर जाए अल्लाह फिर उसे ऐसा नवाजता है कि दुनिया देखती रह जाती। जिन लोगों की रस्सी अल्लाह ने ढीली छोड़ी होती है, जब अल्लाह उस रस्सी को खींचते हैं तो उनको ऐसी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है कि दुनिया उसे भी देखती है। समझ गई, बहुत अच्छी तरह से समझ गई। झूठ और बुराई का जज्बा बहुत बुरा है, लेकिन है तो ये बुराई। देखो रुबीन, झूठ और मकारी का रास्ता सिर्फ देखने में कामयाब है, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जबकि अच्छाई और सच का रास्ता देखने में चाहे जितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो, वो बड़ा गफूर और रहीम है, इंशाल्लाह तुम्हारी तौबा को जरूर कबूल करेंगे। अच्छा वो मत ये बताओ, रोजा रखा तुमने? देखो भाई, मेरा तो रोजा है और ये बाहर की फ्रूट चाट और पकौड़े खा के ना मेरा पेट गड़बड़ कर गया। अब एक काम करो, जब आई गई हो तो रोजा खुलने में एक घंटा है, इफ्तार ही बना दो। और काफी दिन से मैं वो तुम्हारी मिर्चों वाले पकौड़े होते ना, तो मिस कर रहा हूँ।